वेलकम बैक। खबरों में दोबारा से खुशामदीद। अहमदपुर शरकिया के नवाही इलाके नौशहरा जदीद में साबिक चेयरमैन मलिक नासिर हुसैन जोया की वालदा कज़ाए इलाही से वफात पा गई, जिनका नमाज जनाजा उनके अबाई गांव अब्दुल्लापुर में पढ़ाया गया। नमाज जनाजा में तमाम सियासी और समाजी हलकों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी और साबिक एमएलए मलिक आमिर, एमपीए मलिक असगर जोया, एमएनए मलिक नजीब अवैसी, एमपीए मलिक खालिद और टिकट होल्डर पीपी 251 सैयद नसीम अब्बास बुखारी ने शिरकत की और मरहुमा की मागफरत के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं रोड़ी से, जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हदायत पर महकमा फॉरेस्ट अफसरान ने सखर रीजन के कच्चे के इलाकों में सरकारी अराजी बागजार करवाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत पर सखर रीजन में भी महकमा जंगलात की सरकारी अराजी से कब्जे बागजार करवाने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सखर होश मोहम्मद शर मुख्तियारकार सैयद जाहद हुसैन शाह, आरएफओ रोहड़ी शमसुद्दीन खोसू, ड्रिंग ब्लॉक फॉरेस्ट सईद अहमद खोसू के अमरा, कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों रोहड़ी फॉरेस्ट क्रिएटिव शाह ब्लॉक फॉरेस्ट में अचानक पहुंचकर 250 एकड़ अराजी पर कायम कब्जे बागजार करवाए और हैवी मशीनी की मदद से कब्जा माफिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर काश्त करदा गंदम की फसल को हल चलाकर खत्म कर दिया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोदा को हम कभी नहीं भूलेंगे। सानहा एपीएस एक कौमी अलमिया होने के साथ तजदीद अहद का भी दिन है। इन ख्यालात का इजहार प्रिंसिपल गवर्नमेंट राइट सेकेंडरी स्कूल अलाहाबाद मोहम्मद तारक जमील खान बलोच, वाइस प्रिंसिपल हाजी करीम बख्श और जाम रियाज अहमद लाड़ ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोदा के लिए स्कूल में मुनक्दा दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इलम की शमा बुझाना चाहिए, मुस्तकबिल के मामारों को निशाना बनाकर मुल्क और सिक्योरिटी अदारों का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कौम के हौसले पस्त ना हुए। अपने प्यारों को खोने के बाद कौम ने नए अजम के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने की ठानी, जो मुल्क भर में जारी तालीमी सरगर्मियां मुल्क दुश्मनों को पैगाम दे रही है कि कौम के अजम में कोई तब्दीली नहीं आई और शोदा की कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद रफीक ने शोदा के लिए दुआ माफरत भी करवाई। नौशहरा फिरोज सिंह टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के मरकजी रहनुमा अब्दुल जब्बार राजपुर, राणा भगवान, नाजम हुसैन पनहोर, गुलाम मुर्तजा सयाल और दीगर ने प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्राइमरी टीचर पोस्ट को अपग्रेड किया जाए और पीएसटी से जीएसटी प्रमोशन दी जाए, ज्वाइनिंग से कंफर्म किया जाए, तालीमी इंक्रीमेंट बहाल की जाए, हमारे जायज मुतालबात मंजूर किए जाए। बसूरत दिगर हम कराची में सिंध असेंबली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जाफराबाद में पुलिस थाना कैडरल फार्म की हदूद से एक शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना कैडरल फार्म की हदूद घोट लखमीर खान रिंद के करीब एक शख्स की लाश बरामद हुई। इतला मिलने पर कैडरल फार्म थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल ढेरा यार मुंतकिल कर दिया, जहां पर लाश की शनाख्त अब्बास फ्रिंद के नाम से हुई। वर्षा के मुताबिक हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बाकी की तफ्तीश जारी है। पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल गाजी मुलाजम हुसैन खान लाशारी के वालिद की वफात, नवाजा जनाजा में मजहबी सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तहसील अलीपुर के इलाका हेड पंचदन की बस्ती लाशारी में पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल मुलाजम हुसैन लाशारी के वालिद की वफात पर जिला भर से मजहबी सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा साफियों और पुलिस अफसरान ने भरपूर तरीके की शिरकत की। नवाजा जनाजा में मरहूम की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं रनाला खूर्ट से, जहां नेशनल हाईवे बीट नंबर 14 पर धुंध का राज। धुंध के बायस हद निगाह 20 से 25 मीटर तक रह गई। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे पुलिस की तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी गई। रोड पर सफर करते वक्त फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, गाड़ियों की रफ्तार दौरान सफर कम रखें। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ख्वाब में गफलत के मजे लेने में मसरूफ है। मरीज की गाड़ी भी ट्रैफिक में फंस गई। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में था कि एक मोटरवे पुलिस के अहलकार ने अचानक वहां पर पहुंचकर मरीज की गाड़ी को रास्ता दिलवाया। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ है। जलालपुर का मेन अलर्ट चौक ट्रैफिक से ब्लॉक हो गया। ऐसे में एक भी ट्रैफिक के अहलकार नहीं था। एक मरीज जिंदगी और मौत की बाजी में लड़ा था, इसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। ऐसे में एक मोटरवे पुलिस से अहलकार अचानक आया और रास्ता क्लियर करवाकर मरीज की गाड़ी को जगह दी, जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की नहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता कहकर अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाके, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी ये नाम लज्जत और मयार की पहचान है, जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनूआत शहरियों को फराहम कर रहा है और शहरियों की जानिब से भी
भरपूर एतमाद का इजहार किया जाता है, क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज़।